हे मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि मेकअप लुक। नवरात्रि चल रही है और हम सब डांडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसे नॉर्मल ज्वेलरी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, आप ऑक्सीडाइज भी पहन सकते हैं। आजकल ट्रेंड में काफ़ी है, तो मैंने ऑक्सीडाइज को ही रखा है और मैंने काफ़ी ट्रेडिशनल लुक किया है गाइस। इस तरह के लुक्स मैं जनरली करती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करने में। और ये जो मेकअप है, ये लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ करने की कोशिश की है, इसलिए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं अपने क्लीन फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि लैक्मे का है। ये सिलिकन बेस है और ये आपके पोर्स को ब्लर करेगा, साथ ही साथ ये एक स्मूथ कैनवस देता है, जिससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग वाला प्राइमर है। प्राइमर का काम ही मेकअप को लॉन्ग लास्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे ओलिविया का और लॉरियल का, ओलिविया वाला जो है वो थोड़ा सा लाइक ब्राइटन अप करता है फेस को, और जो लॉरियल है वो मैट करता है। तो मैंने दोनों को मिक्स किया और इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लिटरली बहुत अच्छा टर्न आउट होकर आया। दोनों को बैक ऑफ हैंड पे लेके मैंने मिक्स किया, देन अप्लाई किया। बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है ये, और मतलब गज़ब वाली कवरेज है लॉरियल की और ओलिविया दोनों की। और दोनों जब मिल गए तो बहुत ही अच्छा एक न्यू कलर बना। आप इस तरह से दो कलर को मिक्स करके अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मिक्सिंग फाउंडेशन वाला भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, जो कि बहुत अच्छा मेरा फाउंडेशन बन गया था। तो उसे ब्रश की हेल्प से ही मैं, आप देख रहे हो ना, मैं हेयर लाइन के पास स्पेशली अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो जब भी आप मेकअप करें, अपने पूरे हेयर को बैक कर ले अच्छे से, या तो पोनी कर ले या तो बन कर ले, सो दैट अपने हेयर लाइन पे आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। अब मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। ये कंसीलर को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो आता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, लाइक बिल्कुल फुल कवरेज ये प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी। इसमें मेरा शेड मीडियम है और इसे ना आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मैंने कई बार इसे अप्लाई किया है और मैं हर जगह अप्लाई कर लेती हूँ, देन मैं ब्लेंड करती हूँ, तो ये बहुत पैची हो जाता है ब्लेंड करने में। अगर आपकी ड्राई स्किन होगी ना, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा तब बढ़िया। इसलिए मैं इसे क्या करती हूँ, पहले अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसे साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसे हाइलाइटर की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कंसीलर की ज़रूरत मुझे उतनी महसूस नहीं हो रही थी। फाउंडेशन अच्छी कवरेज दे रहा था। अब मैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिवर्स कॉन्टोरिंग, मतलब कॉन्टोर के नीचे आप इस कलर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपके कॉन्टोर शेड को काफ़ी अच्छे से फेस को एकदम स्लिमर लुक देगा और अच्छा खासा अपीयर होता है। थोड़ा मुझे अभी इस बीच अपना फेस जो है वो काफ़ी लाइक कॉन्टोर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है, सो इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं अपने फेस को सेट करने के लिए लैक्मे का रेडियंस कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मैट कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एंड टेक योर टाइम टू सेट योर फेस, बिकॉज अगर आप अपने फेस को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो वो जल्दी से क्रीज कर जाएगा और आपका जो फाउंडेशन है वो ऑयली दिखेगा। इसलिए मैं एक छोटे ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे स्लोली एक एक एरिया को पिक मतलब सेट कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो फेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे और मैट हो जाए। तो ये जो पाउडर का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा चौकी है, जब आप इसे पिक करते हैं ना तो ये थोड़ा सा गिरता है, फॉल आउट देता है, तो परफेक्ट है आपके फेस को सेट करने के लिए। अब कोई भी आईब्रो पेंसिल से आप अपना आईब्राउ को फिल इन कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के आई शेडो से भी आप वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लैक्मे का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि 60 रुपीज़ का मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ट्रांजिशन कलर, जो कि जिसके बिना मैं कभी भी अपना मेकअप स्टार्ट नहीं करती, सबसे पहले ट्रांजिशन कलर बिल्ड करती हूँ, सो दैट जो मेरा आई मेकअप है वो अच्छे से हो, मुझे पता हो कि मेरा आई लिड कहाँ है, मेरा ट्रांजिशन कहाँ है, मेरा क्रीज कहाँ है। तो आउटर वी पे भी थोड़ा ज़्यादा प्लेस करती हूँ, सो दैट जो मेरी आईज़ है वो एक अच्छी सी डायमेंशन प्रोवाइड करे, डेप्थ मिले। अब मैं द रॉक न्यूड्स पैलेट में से ये वाला शेड जो था उसको एक फ्लैट शेडर ब्रश में, डिटेलिंग फ्लैट शेडर ब्रश में ले रही हूँ और उसे मैं अपने आई शेप को मेंटेन करते हुए, अब कह सकते हो एक तरह से कट क्रीज ही है ये। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही कट क्रीज कर रही हूँ, ब्लेंडिंग टाइप की आई शेडो मैं बहुत कम कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी होता है गाइज, अगर आपको टेक्निक पता चल जाए ना तो आप बहुत ही आसानी से मेरी तरह कर सकते हैं।
सिंपली आपको एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से जो भी कलर अपने आईलिड्स पर ही लगाना है, आप चाहे तो हाफ कट क्रीज कर सकते हैं, चाहे तो फुल, मैंने यहाँ पे फुल किया हुआ है। अब आप, मैंने ना बहुत ड्रामेटिक आईज किए गाइस, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टेक वर्की का गोल्डन आईलाइनर ले रही हूँ। आपके पास जो भी गोल्डन आईलाइनर हो, सिल्वर आईलाइनर हो, आपके आउटफिट से मिलता जुलता कोई भी आईलाइनर हो तो आप वहाँ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कट क्रीज जो किया था वहाँ पे मैंने अपने क्रीज इसे अप्लाई किया। अब मैं विंग आईलाइनर लगाऊंगी, ये बहुत ही इजी है, और जो दोनों के एंड पॉइंट है उन्हें मैंने मिला दिया है, तो ये बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा था, इन पर्सन बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला आईलाइनर। लिटरली गोल्डन है, कॉम्प्लीमेंट तो कर ही रहा था, साथ ही साथ मेरे आई शेडो के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा था। तो आप देखिए, मैं स्लोली स्लोली जो अपना क्रीज पे मैंने कट क्रीज किया है उसके एंड को और अपने विंग आईलाइनर के एंड को दोनों को मिक्स कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ एक्चुअली, और बहुत ही अच्छा टर्नआउट होकर आया, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं बहुत डर रही थी करने में। अब थोड़ा सा टच दे रही हूँ, मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया उसके नीचे, ठीक नीचे मैं ब्लैक कलर से थोड़ा सा उसे टचअप दे रही हूँ। और अब मैं लॉरियल मैट मैजिक का काजल ले रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैट है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसे मैं अपने लोअर एंड अपर वाटर लैश लाइन पे टाइट लाइन कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लुक ये दे देता है आपके आईज़ को, और हमें मैट काजल ही चाहिए होता है, हमें लॉन्ग लास्टिंग जेल काजल चाहिए होता है, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया और उससे थोड़ा स्मज कर रही थी, वो हो नहीं रहा था, इस वजह से मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया। अब मैं नायका का जो ब्लैक आईलाइनर है उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने ये वाला आईलाइनर जब भी ट्राई किया है ना फेस्टिव सीजन में, लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत मैट है परफेक्टली, और बिल्कुल इसकी ब्रिसेस बहुत प्रिसाइज हैं, तो काफ़ी थिन लाइनर लग जाती है, क्योंकि मैंने गोल्डन विंग आईलाइनर लगाई थी, पर क्योंकि मैं लैशेस लगा रही हूँ इसलिए मैंने एक थिन सा पतला सा काजल लगाया, सॉरी आईलाइनर लगाया ब्लैक कलर का, सो दैट मेरा जो फॉल्सीज में मिस्टेक हो वो हाइड हो जाए। तो फॉल्सीज मैंने अप्लाई कर ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने ये जो ज्वेलरीज परचेज किया गाइज, ये मैंने ज्योति जिया स्टोर से लिया है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, ये नेक पीस मैं बहुत टाइम से परचेस करना चाह रही थी। तो आप चाहे तो अपना हेयर भी ओपन रख सकते हैं, मैसी बन कर सकते हैं, वैसे मैसी बन ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज आप डांस करेंगे, गरबा करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाइलाइटर तो भूलना ही नहीं है, हाइलाइटर ज़रूर लगाइए। ये हुडा ब्यूटी का पैलेट है जो कि अब टूट चुका है, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैंने बोला ना मैंने काफ़ी वीडियो बना ली है तो हर वीडियो में आप लोग को बताऊंगी टूट चुका है, मज़ा आता है मुझे ऐसा करने में। तो अच्छा वाला हाइलाइटर जल्दी से सर्च करके परचेस करूंगी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ब्राउ बोन्स को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हाइलाइटिंग से एक आपके फेस पे ना, अगर आप हाइलाइटिंग नहीं करेंगे तो आपका फुल फेस मैट हो जाएगा, हाइलाइटिंग करेंगे तो आपके फेस पे एक एक्स्ट्रा जो डायमेंशन है आपका हाईएस्ट पॉइंट्स वो अच्छे से दिखता है, और बहुत फ़र्क होता है हाइलाइटिंग करने में नहीं करने में। तो आप एक दिन हाइलाइटिंग मत कीजिए और एक दिन करके जाइए, देखिए आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जिस दिन आप करके जाएंगे। तो ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और मैं उसको थोड़ा कॉन्टोर्ड वे में अप्लाई कर रही हूँ, हाई वे में अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट जो मेरा फेस है वो बहुत ही अच्छे से लिफ्टेड लगे। एज आई टोल्ड यू कि मेरे फेस को अभी मुझे कॉन्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, मैं थोड़ा शायद वेट पुट ऑन कर रही हूँ इस वजह से मैंने अपने फेस को एकदम प्रिसाइजली ब्रश में लेकर मैंने कॉन्टोर किया है, सो दैट मेरा जो फेस है वो काफ़ी अच्छा दिखे। अब मैं यहाँ पे NYB लिक्विड लिपस्टिक नंबर 1 यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसे अप्लाई भी कर लिया है, इसमें कोई मतलब प्रो बात नहीं है तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। अब मैं यहाँ पे फाइनल टच देने के लिए जो है ब्लू हेवन की लिक्विड लाइनर, स्केच पेन लाइनर से मैं 3 डॉट्स बना रही हूँ मेरे आईज़ के पास, मेरे चिन पे और मेरी बिंदी पे भी अप्लाई करूँगी मैं, तो बहुत अच्छा लगा। आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, बिंदी के नीचे सिर्फ एक डॉट लगा सकते हैं, पर मुझे थोड़ा ड्रामेटिक करना था गाइज इसलिए मैंने ऐसा किया और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं जनरली ऐसा करती नहीं हूँ, मैंने एज आई टोल्ड यू। तो मेरा जो साड़ी है ना ये मैंने बिल्कुल लाइक चुनरी टाइप की रखी है, नवरात्रि टाइप, तो अब देखो मेरे से बन में भी अच्छा लग रहा है और हेयर ओपन करके भी अच्छा लग रहा है। सो गाइज अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको मिलती रहूँगी अपने हर वीक अपने नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स।